हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं। और गाइस, आज हम पीपीटी के थ्रू अपना थर्ड सेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपने पीपीटी में देखा कोविड-19 से रिलेटेड मैंने चीजें बताई, सेकंड पीपीटी में मैंने आपको समझाया, थर्ड जो आज हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये हमारी इनकम टैक्स की सीरीज है। इनकम टैक्स में सेट वन आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हेल्पफुल है आपके सीए के लिए, सीएमए के लिए, सीएस के लिए, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइज, यहां पे हम सेट वन डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन 2022-23-24 सेशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कवर कराने की। तो चलिए गाइज, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओनली इनकम टैक्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में जो इनकम टैक्स की देखरेख करता है, इनकम टैक्सेस में चेंजेस वगैरह लाता है इंडिया में, वो कौन है? ए ऑप्शन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी एंड फोर्थ इज योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फटाफट से गैस कीजिए। यस, एग्जैक्टली, यहां पर बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। अगर हम बात करें यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई क्या करता है, बैंकर्स बैंक, आरबीआई और नाबार्ड दो बैंक है। परमिशन से कोई भी इंडिया में बैंक ओपन होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी परमिशन के विदाउट नहीं होगा, और उसको सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में उसको एक अमाउंट जो है वो आरबीआई में भरना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज के लिए यूज होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जितना भी इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है, डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट कुछ भी, वो सीबीडीटी डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है वो डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। तो चलिए गाइज, यहां पर आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। Which form is used by individual to file their income tax return in India? भारत में individual कौन सी income tax की return file करता है? ITR 1, ITR 4, ITR 6 या ITR 7? फटाफट गैस कीजिए। Yes, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ITR 1। ITR 1 की अगर हम बात करें यहां पे, तो ITR 1 यूज की जाती है इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इनकम कमाते हैं, किससे, सैलरी से, जो कि इनकम कमाते हैं किससे, हाउस प्रॉपर्टी से, जो कि इनकम कमाते हैं अदर सोर्सेज से, किससे, अदर सोर्सेज से, वो ITR 1 एलिजिबल है उनके लिए। ITR 4 हमारी बिजनेस के लिए है, ITR 6 हमारी कंपनी के लिए, किसके लिए, कंपनी, और ITR 7 है हमारी किसके लिए, ट्रस्ट के लिए। चलिए ध्यान रखिएगा गाइस, सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इनकम सॉरी व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर ऑफ एज इन इंडिया। भारत में यदि किसी की एज 60 साल या 60 साल से कम है, अप टू 60 ईयर, तो उसको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक की एग्जेम्प्शन मिलेगी, यानी कितने अमाउंट तक टैक्स उसका कैलकुलेट नहीं होगा, राइट? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो इसका एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया है, 2.5 लाख रुपए तक अगर आप इनकम कमाते हैं भारत में पांचों सोर्सेज से, तो आपके इनकम पे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए गाइज आगे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर इनकम्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स इन इंडिया।
अगर आप देखें जब आप चैप्टर पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो वहां पर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि आपको क्या करता है, बताता है कि रिबेट कितनी परसेंट आपको मिलेगी। तो देखिए गाइज, एटीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटीसी ये हमारा एलआईसी वगैरह के लिए काम में आती है डिडक्शन। एटीडी की बात करें तो एटीडी हमारा मेडिकल में काम आता है डिडक्शन के। ऐसे ही सेक्शन 24 और सेक्शन टी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपने सही आंसर चूज किया है सेक्शन 24। अगर हम सेक्शन 24 ए की बात करें तो गाइज इसमें मैक्सिमम ऑलरेडी पहले से ही कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी आपको, 30%। यहाँ पे 30% सेक्शन 24 ए के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं रेंट से, तो 2 लाख का 30% 60,000 पहले ही क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। चलिए गाइज, फिफ्थ क्वेश्चन की अब बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट्स क्या बताती है, क्या बोलती है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यस बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर बिजनेस, यस एग्जैक्टली। गोल्ड हेल्ड एज अ पर्सनल एसेट्स, एग्जैक्टली। यानी कि अगर हम बात करें तो ये सारी चीज हो गई। इसका सही आंसर बिल्कुल सही चूज किया है आपने, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the standard deduction amount allowed for salary individual in India for the financial year 22-23? Financial year 22-23 में अगर हम बात करें तो standard deduction कितने रुपए की सैलरी में अलाउड है, 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख? एग्जैक्टली, यदि आप इंडिया में सैलरी से पैसा कमाते हैं तो सरकार आपको 50,000 रुपए का गिफ्ट देती है, बिल्कुल। सॉरी, अमाउंट अलाउड फॉर सैलरी इंडिविजुअल इन द फाइनेंशियल ईयर, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें यहाँ पे तो 1.5 लाख रुपए हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन है। यहाँ पर हम बात करें तो एटीसी, एटीडी ये सारी चीजें मिलाकर हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन जो है हम ले सकते हैं एटीसी से एटीयू तक के लिए। सेवन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who is required to pay advance tax in India? भाई advance tax कौन pay कर सकता है, किसके लिए है? Only salary individual के लिए, only self employed के लिए, बहुत salary and self employed, या only senior citizen? तो senior citizen नहीं भाई, बिल्कुल सही आंसर इसमें आपने चूज किया है, बहुत salary and self employed दोनों ही advance tax क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीसीजी टैक्स ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? तो आप देखेंगे गाइज यहाँ पे 5%, 10%, 15% या 20% कितना लगता है, बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया है, 5% जो है इस पर एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन, डोनेशन की बात आ गई है, मेड फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डोनेशन के लिए हमारा सेक्शन जो है वो 80G है, बिल्कुल सही। 80G की बात आएगी तो 80G जो है आपने बिल्कुल सही इसका आंसर चूज किया है। एटीसी एलआईसी के लिए, एटीडी मेडिकल के लिए, एटीटीटी जो है वो इंटरेस्ट के लिए हो गया, तो ये भी नहीं है, एटीडी भी नहीं है, एटीसी भी नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया? क्लेम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल सही आपने चूज किया है, 1.5 लाख रुपए तक जो है आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं।
11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया, ओनली सैलरी इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉय, ऑल इंडिविजुअल अर्निंग टैक्सेबल इनकम, ओनली सीनियर सिटीजन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, सी, सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो अर्न कर रहे हैं क्या टैक्सेबल इनकम, सिंपल सी बात है भाई। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल विथ एन एनुअल इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाया है तो कौन सा आपके ऊपर स्लैब रेट जो है रेट का अप्लीकेबल होगा, 0%, 5%, 10% या 15%। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल आपने सही चूज किया है, सिंपल 5%। भाई 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे 5% टैक्स है। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल इन इंडिया, भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। देखिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो थोड़ा हमें टाइम दे देते हैं, लेकिन अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो बिल्कुल आपने सही चूज किया है, 31 जुलाई 2023 जो है वो लास्ट डेट गवर्नमेंट ने रखी है। और इस बार गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली आपसे बोल रही है समय पर अपनी ITR भर दें, नहीं तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का पेनल्टी लगाया जाएगा सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर द सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया, 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कई बार अपने लेक्चर में भी बता चुका हूं, 25,000 रुपए जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड सेल्फ, इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ये रखा गया है। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन इंडिया, भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें जो है टैक्सेबल रहेंगी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट या ऑल ऑफ अबव। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर जो रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये सब लेटिंग इनकम की बात कर रहे हैं, यहां पे सब लेटिंग इनकम की बात करेंगे यहां पे, राइट, यानी कि किराए की जमीन को किराए पर देना। चलिए आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स सीनियर सिटीजन इंडिया। देखिए गाइस क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्या बात करी है यहाँ पे, किसकी बात करी है, सीनियर सिटीजन की। अगर नॉर्मली सिटीजन बोलता तो बोलता ही नहीं, पहली बात तो वो नॉर्मली इंडिविजुअल होता, लेकिन यहाँ पे बात जो है वो सीनियर सिटीजन की है, तो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा अमाउंट में छूट मिल जाती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो जैसे ही आप यहाँ पे बिल्कुल सही आपने आंसर वैसे सही चूज किया है, तो 5 लाख रुपए जो है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स आर द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन इंडिया, गाइस सेक्शन 10, सब सेक्शन 14, सेक्शन 80C, 80D, सेक्शन 24। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता भी हूँ, डिस्कस भी करता हूँ। सेक्शन 10 में हमेशा किसकी बात आती है, एग्रीकल्चर की एग्जेम्प्शंस की। बिल्कुल आपने सही आंसर चूज किया है। 18 पे चलते हैं, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो कितने रुपए जो पेनल्टी वो रखी गई है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, बिल्कुल ये तो आंसर आपको पता ही होगा, एग्जैक्टली अभी मैंने आपको बताया पीछे ही, 5,000 रुपए जो है सरकार ने इस बार रखी है। अब इसकी बात करें तो सेक्शन 234F कितना, सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन की बात करते हैं,
Which of the following income is not taxable for non-resident individual in India? क्या बात है, ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार। Non-resident in जो भारत के निवासी नहीं है उनके लिए इनकम इज नॉट टैक्सेबल। देखो भाई क्या बात है, तो इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया, सैलरी रिसीव फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड, और इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर भी आपको सोच समझ के, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इन तीनों में इंडिया से इनकम अर्न हो रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, तो इफ एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ एनी पर्सन रिसीव और अर्न इनकम फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ही विल एबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। कोई पर्सन इंडिया से ज्वाइन हुआ है, चाहे सर्विस बाहर कर रहा है, लेकिन वो इंडिया से अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वह टैक्सेबल इनकम के अंडर आता है। चलिए 20 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड ए फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन अ होम लोन? देखिएगा, इस ध्यान से देखिएगा किसकी बात चल रही है यहाँ पे। होम लोन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर द सेक्शन 24, अभी मैंने बात करी थी सेक्शन 24 की, है ना। 30% का स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स इंडिया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते समय मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है। तो 2 लाख रुपए तक आप इसमें मैक्सिमम डिडक्शंस अलाउड कर सकते हैं। 21 की बात करते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया? इंडिविजुअल ओनली, कंपनी ओनली, बहुत इंडिविजुअल एंड कंपनी ओनली, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, क्यों भाई पार्टनरशिप फर्म ही क्यों भाई, इंडिविजुअल कंपनी जो ज्यादा कमाएगा भैया वो ऑडिट करवाएगा, एक सीधी सी बात है। एक लिमिट से ज्यादा गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें सिंपल सा उन्होंने बोला हुआ है कि भैया एक लिमिट से ज्यादा कमाओगे तो देख रेख की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल हो, कौन हो, इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, सबको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दिस वन। चलिए 22, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? बहुत बढ़िया, टैक्स के ऊपर वैल्यूएशंस या जरूरत से ज्यादा कमाएंगे तो आपके लिए सरचार्ज और सेस दोनों की मार पड़ने वाली है। लेकिन मैं विश करता हूं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे हैं, वो सब के सब सरचार्ज दे, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कमाने वाले पर्सन बने इंडिया में। व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर? मैं 50 लाख तक की भी कैलकुलेशन सिखाता हूँ, 50 से 1 करोड़ की, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, आगे भी क्या होगा इसका, 10%, 15%, 20% या 25%, कितना सरचार्ज? तो 10%, 15%, 20%, 25%, फटाफट से गैस कीजिए। यस एग्जैक्टली 25% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। 10% नॉर्मली, 15% 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव और बिजनेस इनकम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब ध्यान से देखिए। इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव, भाई ये सोर्स नहीं है, है ना। चलिए दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैन अ टैक्स पेयर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस इन इंडिया? ये आपके लिए, मैं कमेंट में मुझे इसे बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ चलिए फिर भी, लेकिन इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा बुक में। सेक्शन 70, सेक्शन 80C, 80G या सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 की तो बात हम करेंगे ही नहीं, है ना। तो सेक्शन 17, तो सेक्शन 60 टू 70 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि
कैरी फॉरवर्ड एंड कैपिटल लॉसेस के बारे में। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेट वन का, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, 10%, 20%, 30%, 40%। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने 25 का डाला है यहाँ पे, इसका आंसर फटाफट गैस कीजिए। एक शाबाश, 30% जो है वो यहाँ पर रखा गया है फाइनेंशियल ईयर में। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सीरीज चल रही है, इसी तरीके से हम बहुत सारी सीरीज डिस्कस करेंगे। आज हमारा सेट वन है, इसी तरीके से नेक्स्ट डे सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।